पैसे का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि बहन चोद पैसा हमारे पास बड़ा है उसको बांट दो। पैसा बांटना थोड़ा ना है, पैसा बहन चोद खुद से हक से कमाया है, सब कुछ किया है। जर्सी, और गैस जर्सी वर्सी फेंकने का वो लोग बोले, देखो वो लोग बोले कि बाहर ये सब चलता है। उन्होंने खुद भी एक पॉइंट बोला था कि इंडिया के ऑडियंस इमोशनल है। भाई हम भी इमोशनल है हमारी चीजों से, हमारी चीज फेंको के हमें भी मतलब, चलो मैं तो, मेरे को तो भी हो नहीं हुआ, मैं तो ऑडियंस ऑडियंस को दर्द हुआ, ऑडियंस ने हमें टैग कर रखा था कि आपकी जर्सी ऐसा फेंक दी, वो कर दी वो कर दी, तो ऑडियंस को दर्द हुआ, हमें नहीं दर्द हुआ। इंडिया की इमोशनल है ऑडियंस, तो भाई हाँ इमोशनल है, तुम ही बोले इमोशनल है, इमोशनल है देखो। और एक बात मैं शुरू से दबा के रखा था क्योंकि मेरे को आदत नहीं है किसी की बोलने की। गाइस उन लोगों ने बोला कि हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं ये बोल के कि हम लोग #2Worlding में है, BGIS में वो लोग अच्छा खेले हम लोग चुदे। लोगों ने हमें टैग करना शुरू किया कि गाइस अभी हमें समझ आ रहा है कि #2 क्या होता है। वो भी बताता हूं गाइस, BGIS में हम लोग हगे, उसके बाद लोगों ने हमें टैग किया, हमने रीशेयर किया कि चल मेमोरीज पुरानी रीशेयर हो रही हैं। उसको अगर लोग उठा के ये बोल लेंगे कि हमें बोल रहे हैं हम ये वो ये, उससे क्या मतलब? किसी की बात अपने पे लेंगे तो वो बंदे की खुद की वो है ना, और हम उन्हें क्यों बोलेंगे? हमने कहीं पे लिखा कि हम तुम्हें टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ भी हमें कुछ बोलना होगा बोल देंगे ना, यहाँ पे बोल देंगे। जो मेंटल टॉर्चर करता था काउट और तू, वो भी बता मेरे को कोई। देखो मेंटल टॉर्चर, गोल्डी भाई के साथ मेरी एक बहस हुई थी जिसमें जहां तक मुझे लगा कि मेरे को फालतू गाली दी गई। मैंने गोल्डी भाई को सीधा बोला, गोल्डी भाई मैं नहीं करूंगा कि मेरे को यूट्यूब भी चला जाए, सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला जाए, मतलब मेरा A to Z चला जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छोड़ दूंगा। तेरे को टॉर्चर लगता था छोड़ देता, एनी टाइम बता देता कि मैं जा रहा हूं, क्यों था यहां पे? क्यों था? गाइस मेरे को कोई टॉर्चर करेगा ना, मैं उस इंसान को छोड़ दूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मैं क्यों रहूंगा उसके साथ? मैं इतना लंड बुद्धि हूं क्या, या मेरे को सिखाने वाला इतना लंड बुद्धि वाला है क्या कि मैं उस बंदे के पास रहूंगा जो मेरे को टॉर्चर करता है? बताओ, स्काउट मां भी टॉर्चर करते थे ना, तो स्काउट मां भी अपनी जेब से पैसा भर के अपने बंदों के साथ खुद पार्टी भी करते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। और यार एक बात बोली गई कि बंदों को खाना खिलाना कौन सी बड़ी बात हो गई, बोलना नहीं चाहता बट बोलूंगा। गाइस स्काउट के पुराने घर पे मैं भी गया, आई नो वो कैसी जगह से बिलोंग करता है, वो पैसा नहीं बांट सकता, वो भी एक नॉर्मल घर से गाइस, वो भी एक नॉर्मल घर से है, बहुत नॉर्मल घर से है, बताना नहीं चाहूंगा, बहुत नॉर्मल घर से है, खुद से करके आया सब कुछ। वो बंदा तुम्हें अपने घर, देखो पास तो कोई नहीं बोलता ना, जो जहां से ऊपर बढ़ के आया वो कभी नहीं बोलेगा ना। तो गाइस जब वो बंदा अपनी शेयरिंग से, या बोलो अपने खुद से, तुम जिस बंदे को तुम इतनी बात छोड़ते हो, इतनी गांठ फाड़ते हो कि बहन चोद ऐसा चूतिया लौड़ा लहसुन, वो बंदा तुम्हें हाथ से खिला रहा है, तो बड़ी बात है ना, ऑब्वियसली बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। जो बंदा इतना टॉक्सिक है सब कुछ है, वो तुम्हें खाना खिला रहा है, वो बड़ी बात है बड़ी बात। वो स्काउट लाइबिलिटी है, प्लीज क्लियर दिस पॉइंट एज वेल, क्या स्काउट को कैरी कर रहा है मावी? स्काउट गेम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इट्स ट्रू, मैं भी बोलूंगा, मैं स्काउट को सही बोलता हूं, और स्काउट और मावी स्काउट को कैरी कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, स्काउट ने भी मावी को कैरी किया है। आज देखो स्काउट मेरे साथ क्यों आया था, मैं उसको दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूं, उसके बाद उसने वो दिखाया जो वो कर सकता था, उसने मेरे को जितना सपोर्ट किया उतना, उसने जितना वो कर सकता उससे ज्यादा किया उसने। ये एकदम बोलने वाला भी चूतिया है। मैं 2 साल से वही हूं, मेरी सैलरी वही क्यों है? अरे बहनचोद अपना वर्थ बढ़ाना पड़ता है भाई। 2019 के जुलाई में खेलना शुरू किया था, पहली सैलरी 4थे महीने में प्लस करवाई, दूसरी सैलरी टोटल 9 या 10 महीने के बाद प्लस करवाई, वर्थ बढ़ाया ना, खुद का वर्थ बढ़ाओ, सिंपल। इसको भी बोला आई डोंट केयर, हमें फर्क, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, या हमें भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज बोल दो, बाकी आप क्या बोलना चाहते हो?
और गाइस गिल के साथ तो मेरी गिल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब इन गेम दिक्कत होती है सबके साथ होती है, अल्ट्रॉन के साथ भी दिक्कत होगी इन गेम, अल्ट्रॉन तो हमने फेयरवेल कर दिया, अल्ट्रॉन के साथ नहीं रहे, बट इन पर्सन तो रिलेशन है ना, गिल के साथ भी है। गिल को मैंने बोला, गिल को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, गिल देख बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी बातें होती होंगी जो हमारे बारे में होती होंगी, हमारी बातें होती होंगी जो अपन उनके बारे में करते हैं, बट कभी भी ये मत कर, टीम ज्वाइन कर रहा है इट्स गुड, तेरा डिसीजन है, तेरे को ग्रो करना है, बट इधर की बातें उधर उधर की बातें इधर करने वाला कुछ मत करियो। तो गिल ने मेरे को सामने से बोला कि ठीक है हाँ वैसे, बट बाकी पता ही है सबको एक दूसरे को कि कौन किसका क्या करता है। मैंने कहा ठीक है बस, मेरे को इतना ही बोल रहा था और कुछ नहीं। मेरी टीम जो तुम बोल रहे हैं, मेरी टीम नहीं परफॉर्म करती, मेरी टीम तब परफॉर्म करती है जब मैं अच्छा खेलता हूँ, जब स्काउट अच्छा खेलता है, सिर्फ तब करती है, जब मैं और स्काउट रखते हैं हमारी टीम रखती है, हमारी टीम नहीं परफॉर्म करती या करती थी। हम लोग उस इंसान पे कैसे एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर सकते हैं जिसका हमें लग रहा है कि वर्थ नहीं है। ना मेंटल टॉर्चर होगा ना सैलरी कम मिलेगी, मौज करने दो, अपन अपनी मौज काटते हैं, कब आने चली पर आएंगे। हाँ अब नहीं होगा मेंटल, अब तो मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, अब तो सैलरी भी पूरी मिलेगी, तो क्यों क्या जरूरत थी स्ट्रीम पे आगे कुछ करने की। सिंपल, हो गया क्लियर पॉइंट। यूट्यूब क्यों नहीं हुआ, क्या चीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंसान खुद सीरियस नहीं है। गिल, मैं वीरू को गिल का एग्जाम्पल दिया था कि गिल को इतनी सैलरी मिल रही थी, मेरे को इतनी सैलरी मिल रही थी, बट गिल अपनी, देखो सबका अपना अपना डिसीजन होता है। मैं स्काउट के घर पे रह के उस महीने 61 स्ट्रीम किया, क्योंकि मेरा चैनल एकदम डेड था तो मेरे को वो रिवाइव करना था, और उस टाइम गिल फन कर रहा था, मैं एग्जाम्पल दिया कि गिल फन कर रहा था। तो गाइस हर बंदे के गोल अलग होते हैं, किसको कैसे आगे बढ़ना है, किसको कहां तक आगे बढ़ना है। और गाइस मावी स्काउट टॉर्चर बोल लो या कुछ भी बोल लो, आगे बढ़ने के लिए करते हैं, पीछे नहीं रहना चाहते, बट दल्ले नहीं है। मावी डिस्ट्रॉयड वीरू इन सेकंड, नहीं गाइस वीरू एक बच्चा है, वीरू गलत नहीं है, वीरू को 1 महीना पहला या 2 महीने पहला ऐसी एक भी बात उसके दिमाग में आती नहीं होगी, या उसके दिमाग में आती नहीं है, समझ लो। वो गाइस जो गाइडेंस दे रहा होता है, वीरू बोला कि स्टार्ट से उसको भी गाइड कर रहे हैं, 3 3 साल हो गए वीरू को भी कम्युनिटी में आए, मेरे को भी कम्युनिटी में आए, जिसकी भी गाइडेंस है, वीरू को कहां भटकना पड़ रहा था, टीम्स में इधर उधर जाना पड़ रहा था, हमारे पास जिसकी गाइडेंस है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बोल के नहीं बताऊंगा, कभी घर के बाहर आके देख लेना कहां पहुंचे हैं। वीरू रॉन्ग नहीं है, वीरू कुछ नहीं है, जैसा इन्फ्लुएंस वीरू को पहले बोला, वीरू को टीम में आने से पहले बोला कि वीरू तेरे को 50 चाहिए, 50 ही मिलेगा, हम लोगों के हिसाब से इतना है, तेरे को इतना मिलेगा। ही सेड ओके, मत बोलता ओके, जबरदस्ती तो नहीं की थी मावी स्काउट बहन, तो उस टाइम टॉर्चर करके पुणे से पकड़ के तो नहीं ले आए थे कि अपने टीम में आ जा भाई, पुणे में नहीं औरंगाबाद रहता, सॉरी औरंगाबाद से पकड़ के तो नहीं ले आए थे कि भाई हमारी टीम में आ जा। और चीज, मेरे और स्काउट को जीरो क्लू कि ये जो भी मतलब ये लोग जाने वाले हैं, हमें पता नहीं था। कल कल स्काई स्पोर्ट्स के टाइम भी मैं वीरू को बोला, वीरू वन के मैं एक लास्ट टाइम, हाँ सर, और मेरी बात सुनो, जब वीरू ने बोला कि उसको, उसने सैलरी का इशू उठाया कि ये सैलरी, हमने उसको डबल ऑफर किया, और वो डबल टीएसएम के मैच में है, एसजी ये भी जो और है, एक्सजी एक्सो इनके अप्रोक्स मैच में है, वो डबल मैच हो गया ना तो इनके मैच में है, हमने उसको डबल ऑफर किया है, वो बोला कि नहीं रहना है उसको, सिंपल। ये बात मैं बतानी भूल गया था, उसको डबल ऑफर गया है, अगर नहीं यकीन पूछ लेना उससे कि वीरू तेरे को डबल ऑफर आया है कि नहीं आया। और मैं कल तक अपने प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखता, गिल को हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि गिल ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, यहां से अगर सैलरी से नहीं आ रहा, देखो मेरे को भी नहीं आ रहा, मेरा भी हाफ है, सैलरी से नहीं आ रहा तो कोई और चीज, कोई और मेहनत करेंगे, गेम में मेहनत डाल देंगे, यूट्यूब में मेहनत डाल देंगे, कहीं से और कर लेंगे। गिल बोला नहीं, हमने बोला ठीक है, बहुत 3 4 बार बात हुई है, वीरू को कल लास्ट डे भी पर्सनल मैसेजेस में डाला, 10 15 मैसेजेस, मेरे को क्या पता था वैन तो कहीं और बैठ के क्या हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं था।